शिवसेना की मुरादाबाद मंडल इकाई ने भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन से जुड़े कानून को रद्द किए जाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। बुधवार को शिव सैनिक मंडल प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर इकट्ठा हुए और लोकसभा सत्र 2023 में लाया गया नया कानून भारतीय ड्राइवर के द्वारा एक्सीडेंट होने पर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माने को काला कानून बताया और जोरदार नारे बुलंद किए। उन्होंने कहा कि इस नए कानून के अनुसार एक्सीडेंट होने पर चालक को 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माने का प्रावधान है। ड्राइवर 10 से 12 हजार रुपए प्रति माह कमाते हैं और ऐसे में अचानक उनके द्वारा एक्सीडेंट होने पर उन्हें 7 लाख रुपए जुर्माना देना होगा, 10 साल की सजा भुगतनी होगी। वो 7 लाख रुपए कहां से लाएगा? और फिर कोई भी जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता। भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन से जुड़े इस कानून को तत्काल रद्द किए जाने की मांग उठाई गई। इस मौके पर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित नगर मजिस्ट्रेट किशुंक श्रीवास्तव को पेश किया गया। प्रदर्शन और ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए मंडल प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा ने कहा, आज किन मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया? आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित ज्ञापन में अभी हाल ही में सन 2023 में भी काला कानून बनाया गया इसे वापस लेने की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि 2023 में बनाए गए कानून में ड्राइवरों को 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना है, ये काला कानून है। कोई भी ड्राइवर 10-12 हज़ार रुपये की मामूली तनख्वाह पाता है, अगर अकस्मात कोई एक्सीडेंट हो जाता है और किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे 10 साल की सज़ा होगी और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। वो 7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से देगा? 10-12 हज़ार रुपये वो अपने बच्चों का पेट पालेगा या 7 लाख का जुर्माना देगा? तो ये काला कानून है, इसे तत्काल वापस होना चाहिए। शिव सैनिक राष्ट्रपति महोदय से काले कानून को वापस करने की सीधी मांग। सरकार ने इसको लागू न करने की बात कही है? जी जी, सरकार ने अभी हाल ही में कल शाम की बात है लागू ना करने की बात की है, रद्द करने की बात नहीं की है। शिव सैनिक इस काले कानून को पूर्णतया रद्द करने की मांग करती है। प्रदर्शन में ठाकुर मंजू राठौर, कविता सैनी, बाबा कुशल सिंह, दीपक नेमवती, प्रमोद कुमार, प्रमोद चौहान, चंद्रभान अर्जुन, विजय सेठ एवं बाबू खान सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे।